Assalamualaikum everyone and welcome to our third MCQ session. तो मैंने लास्ट लेक्चर में सोचा था कि मैं MCQ सेशन भी उसी वीडियो के साथ कराऊंगा, पर वो वीडियो थोड़ी सी लंबी चली गई एंड आई थॉट कि वो अब ये अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा कि मैं अगर इस MCQ सेशन को उसी वीडियो के अंदर करूंगा. सो दैट्स व्हाई आई हैव सेग्रीगेटेड दीज इन टू डिफरेंट वीडियोस. सो इस वीडियो में हम कंप्यूटर हार्डवेयर जो लास्ट वीडियो में हमने किया था उसी के ऊपर MCQs करेंगे. तो जो टॉपिक्स हम जिन टॉपिक्स के ऊपर हम MCQs करेंगे उनमें इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, कुछ ऐसी डिवाइसेज जो इनपुट भी है आउटपुट भी है और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे. स्टार्ट करते हैं JKSSB के पेपर्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से. सो फर्स्ट ये क्वेश्चन जो है ये पंचायत अकाउंट सेशन के पेपर में पूछा गया था लास्ट ईयर. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच आर द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर. इतना आसान क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से इनपुट कौन सा है. फर्स्ट इज द प्रोजेक्टर. अब प्रोजेक्टर अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था प्रोजेक्टर से कंप्यूटर के अंदर कोई अगर वीडियो या फिर इमेज या फिर प्रेजेंटेशन होगी, PPT होगी, उसको अगर आपको दीवार के ऊपर आउटपुट कराना होगा, ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर की चीज़ को बाहर लाना है तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया, तो ये नहीं आएगा. प्लॉटर, प्लॉटर मैंने बताया था कि ये एक तरह का प्रिंटर ही होता है, ये एक तरह का प्रिंटर ही होता है, लेकिन ये इसमें पेन होता है जिससे ड्रॉ की जाती है डिफरेंट जो ड्रॉइंग्स या जो डिज़ाइंस होते हैं उनको. तो इसके थ्रू कंप्यूटर के अंदर कोई डिज़ाइन होगा वो पेपर के ऊपर आउटपुट होगा, कंप्यूटर के अंदर की चीज़ बाहर आ रही है, ठीक है, तो ये भी आउटपुट हो गया. प्रिंटर, प्रिंटर सेम है, कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ है, कोई सॉफ्ट कॉपी है, कोई डॉक्यूमेंट है, वो बाहर आ रही है पेपर के ऊपर, तो ये भी क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है. लेकिन बार कोड जो है यहाँ पर टू बी प्रिसाइज इट शुड हैव बीन बार कोड रीडर. तो बार कोड रीडर जो है ये एक इनपुट डिवाइस है. कैसे? क्योंकि बार कोड जो है, बार कोड इन इट सेल्फ जो है वो क्या है, वो डेटा है, वो कोई डिवाइस नहीं है, लेकिन बार कोड रीडर एक डिवाइस है. बार कोड रीडर एक डिवाइस है. तो बार कोड रीडर क्या होता है कि एक बार कोड होता है, वो उस बार कोड को इनपुट लेता है, उस बार कोड को इनपुट लेता है और कंप्यूटर के अंदर सेव करता है, तो बाहर की चीज़ को कंप्यूटर के अंदर लाता है. तो बार कोड रीडर इज एन इनपुट डिवाइस. आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन दिस. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू, वी हैव विच ऑफ फॉलोइंग इज द इनपुट डिवाइस विच स्पेशली फॉर चेकिंग विच इज स्पेशली यूज फॉर चेकिंग द आंसर शीट्स ऑफ एन एग्जामिनेशन हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. इतना आसान क्वेश्चन है, आपको बताना था कि इनमें से कौन सा हम एग्जामिनेशन में यूज़ करते हैं. अब यहाँ पे हम वन बाय वन ऑप्शंस को देखेंगे. बारकोड रीडर ये यूज़ होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन होती है, तो ऑब्वियसली इसको तो हम आंसर शीट्स में यूज़ नहीं करेंगे. ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई इमेज होगी, उस इमेज के ऊपर अगर कैरेक्टर्स लिखे होंगे, मतलब उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा होगा, उसको अगर आपको डिटेक्ट करना होगा, तो ऑब्वियसली ये भी नहीं है. देन वी हैव द MICR, मैंने बताया था कि मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर जो होता है ये रीड करता है चेक्स के ऊपर, चेक्स के ऊपर जो MICR इंक से लिखे हुए होते हैं कैरेक्टर्स उनको रीड करता है, तो ये भी नहीं है. OMR इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्टिकल मार्क रीडर. इस तरह का एक OMR शीट होता है, उसके ऊपर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो मार्क्स डालते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे मार्क्स डालते हैं, उन मार्क्स को रीड करता है OMR शीट, तो ये एग्जामिनेशन में यूज होता है. इस तरह इसको हम OMR रीडर कहते हैं, ठीक है, तो ये डिवाइस जो है ये इसको रीड करता है. मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी PA में पूछा गया था. लेजर प्रिंटिंग इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस, वट इज द यूनिट ऑफ प्रिंटिंग स्पीड इन लेजर प्रिंटर. अब अगर आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि लेजर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग जो होती है उसकी स्पीड को हम मेजर करते हैं कैरेक्टर्स पर सेकेंड, लाइन्स पर मिनट या फिर पेजेस पर मिनट. अब आप ही बताओ मुझे इन तीनों में से यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है. कैरेक्टर्स पर सेकेंड तो नहीं दिया हुआ है, लाइन्स पर मिनट है, याद रखना है लाइन्स पर मिनट मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे है लाइन्स पर पेज. तो लाइन्स पर पेज स्पीड नहीं हो सकती, लाइन्स पर पेज स्पीड नहीं हो सकती. एक पेज के ऊपर कितनी लाइन्स है वो आपको स्पीड नहीं बताएगी, लेकिन लाइन्स पर मिनट आपको स्पीड बताती है. तो लाइन्स पर मिनट तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे पेजेस पर मिनट है. हाँ, पेजेस पर मिनट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, तो पेज पर मिनट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. तो याद रखना है कि प्रिंटिंग स्पीड के तीन यूनिट्स हैं, कैरेक्टर पर सेकंड, लाइंस पर मिनट या फिर पेजेस पर मिनट. मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर्स डेटा सीक्वेंशियली वन बिट एट अ टाइम. इनमें से ये सब ऑडिटर के पेपर में आया था रिसेंटली जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था, इसमें बताना है कि इनमें से कौन से पोर्ट के थ्रू सीक्वेंशियली डेटा को ट्रांसफर किया जाता है. सीक्वेंशियली मतलब वन बिट एट अ टाइम डेटा को ट्रांसफर किया जाता है. अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि पैरेलल पोर्ट जो होता है उसमें डेटा जो है वो पैरेलली सेंड किया जाता है, यूजुअली 8 बिट्स एट ए टाइम. लेकिन जो सीरियल पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट में 1 बिट एट अ टाइम
सेंड किया जाता है डेटा, ठीक है। तो सीरियल पोर्ट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ना यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि यूएसबी भी जो है, यूएसबी भी एक सीरियल पोर्ट ही है। हाँ आई अग्री, यूएसबी भी है एक सीरियल पोर्ट है, इसमें भी वन बिट एट अ टाइम आएगा, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने ऑप्शन दिया हुआ था तो आई थिंक जो अप्रोप्रिएट है वो सीरियल पोर्ट ही आएगा, क्योंकि जो सीरियल पोर्ट है ये एक जनरल पोर्ट है, ये एक जनरल डेफिनेशन है उस पोर्ट की या उस पोर्ट की जिसमें डेटा सीक्वेंशियली ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यूएसबी आप लगा सकते थे, बट यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट विद बी द सीरियल पोर्ट, ठीक है। द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन When you open any text editor is called. इसका ये मतलब है कि जब भी आप कोई text editor, मतलब simply आप text editor में notepad आता है, notepad आपने open किया, या आपने for example अगर word भी open करते हो तो वहाँ पर एक blinking cursor आता है, ठीक है। Sorry यहाँ पर blinking cursor नहीं लिखा, blinking symbol है, मतलब इस तरह का यहाँ पर आपको एक symbol दिखता है, एक ना एक तरह की छोटी सी लाइन, जैसे मैं टाइप करता हूँ ना तो यहाँ पर छोटी सी लाइन होती है, वो लाइन जो है ब्लिंक करती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, अगर आपको याद होगा उसको हम कहते हैं कर्सर। तो कर्सर हम कहते हैं उस एरो को भी जो यहाँ पे ये रेड है ना, तो ये रेड से जो है ये मैंने इसका किया हुआ है ताकि आपको दिखे, अदरवाइज ये एक एरो होता है उसको भी कर्सर कहते हैं। और वहाँ पे जो आपको एक लाइन दिखती है जो ब्लिंक करती है जब आप कोई चीज़ टाइप करते हो, जो आपको बताती है कि अभी आप कहाँ पे टाइप कर रहे हो, पेज के ऊपर कहाँ पे टाइप कर रहे हो, वो भी कर्सर ही है, ठीक है। देन वी हैव डैश की ऑन द कीबोर्ड इज यूज्ड टू इंसर्ट इंडेंटेशन इनटू डॉक्यूमेंट। अब ये क्वेश्चन भी आया था, आपको बताना है कि कौन सी की से हम इंडेंटेशन डाल सकते हैं। इंडेंटेशन मैंने बताया था कि चार पाँच स्पेस, जैसे आप नया पैराग्राफ जब आप स्टार्ट करते हो तो आप इंडेंट डालते हो, इंडेंट मतलब आप चार पांच स्पेसेस एक साथ डालते हो, वो किस किस से आप डालते हो। अगर आपको याद होगा बैक स्पेस से तो हम लेफ्ट की तरफ डिलीट करते हैं, डिलीट से हम राइट की तरफ करते हैं, शिफ्ट से तो ऐसे कोई काम होगा नहीं, शिफ्ट एक कॉम्बिनेशन की है तो शिफ्ट से अकेले कोई काम होगा नहीं, टैब इज द करेक्ट ऑप्शन। टैब से आप एक साथ चार पाँच स्पेसेस डाल सकते हो, ठीक है। अब उस और क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द intangible component of the computer is called, ऐसे component जो intangible होते हैं, मतलब जिनको आप touch नहीं कर सकते, जरा आप ही बताओ, जो tangible होते हैं उनको हम कहते हैं hardware, उनको हम कहते हैं hardware। CPU एक type का hardware है तो ये भी नहीं आएगा, ये tangible होता है। Storage ये भी obviously tangible ही है, ये भी hardware है। Peripheral devices मैंने बताया कि system unit के बाहर जो डब्बा होता है कंप्यूटर की साइड में, जो डब्बा होता है जिसको आप सीपीयू कहते हो, उसके अलावा जो डिवाइसेस होते हैं उनको हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, व्हाटएवर जो भी बाहर और डिवाइसेस हैं उनको हम पेरिफेरल कहते हैं। तो वो भी टैंजिबल होते हैं, उनको भी आप टच कर सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जो इंटैंजिबल होती है, सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, बाकी सारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनको आप टच कर सकते हो। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, जरा आप ही बताओ। प्रोसेसर हार्डवेयर है क्या? हाँ, सीपीयू चिप मदरबोर्ड के अंदर होती है, हमने देखी है, उसको टच कर सकते हैं। प्रिंटर, इसको भी टच कर सकते हैं, ठीक है। तो सीपीयू ऐसी चिप होती है, इसको टच कर सकते हैं। प्रिंटर, इसको भी टच कर सकते हैं। माउस, इसको भी टच कर सकते हैं। लेकिन जावा जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक लैंग्वेज है जावा। तो जावा एक तरह से मान सकते हो ये सॉफ्टवेयर है, ना कि हार्डवेयर है। तो जो जावा है इट्स ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि एक सॉफ्टवेयर आप आंसर कर सकते हो। तो इसमें इस तरह से आप प्रोग्राम बना सकते हो, सॉफ्टवेयर इस तरह से कोड लिख के बना सकते हो। विच डिवाइस कन्वर्ट्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा एंड प्रोग्राम्स इनटू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। जरा आप ही बताओ मुझे कि आप किस डिवाइस का यूज़ करते हो डेटा को कन्वर्ट करने में ऐसी फॉर्म में जो कि कंप्यूटर समझ सके। मतलब आप डेटा देते हो, वो डिवाइस उस डेटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो आप डेटा एंटर करते हो वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू करते हो, और इनपुट डिवाइस उस डेटा को कन्वर्ट करता है इनटू बाइनरी, वो बाइनरी है मशीन अंडरस्टैंडेबल या कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल। सो इनपुट डिवाइस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, इनपुट डिवाइस ये काम करता है। आउटपुट डिवाइस क्या करती है? आउटपुट डिवाइसेस मशीन अंडरस्टैंडेबल मतलब बाइनरी को कन्वर्ट करता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल में, ठीक है। कंप्यूटर गेट्स डैश विद द हेल्प ऑफ माउस, जॉयस्टिक एंड कीबोर्ड। कीबोर्ड, माउस या फिर जॉयस्टिक, ये तीनों क्या है? माउस भी इनपुट है, जॉयस्टिक भी इनपुट है, और कीबोर्ड भी इनपुट है। ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं, इनके थ्रू आप क्या देते हो? ऑब्वियसली इनके थ्रू हम इनपुट ही देंगे। सो ऑप्शन थ्री वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ फॉलोइंग कीज इज नॉट ए टॉगल की, जरा आप मुझे बताओ टॉगल की क्या होती है? मैंने बताया था कि ऐसी कीज जिनको एक बार दबाने से ऑन होता है, दूसरी बार दबाने से ऑफ हो जाती हैं। दो तरह की कीज है जिनको मैंने बताया था वो टॉगल कीज होती हैं। वन इज कैप्स लॉक एंड दूसरी इज नम लॉक। कैप्स लॉक मतलब कैपिटल एंड स्मॉल में लिखने के लिए आप इसको यूज करते हो, एक बार दबाओगे तो
कैपिटल में लिखना स्टार्ट हो जाएगा, दूसरी बार दबाओगे तो स्मॉल में लिखना शुरू हो जाएगा, मतलब स्मॉल केस में, फिर से दबाओगे कैपिटल में, फिर से स्मॉल में। तो कैप्स लॉक जो है ये एक टॉगल की है। नम लॉक भी है, कैसे? नम लॉक मैंने बताया कि जो न्यूमेरिक की पैड साइड में होता है, अगर आप नम लॉक को एक बार दबाओगे न्यूमेरिक की पैड जो है वो डिसेबल हो जाएगा, फिर से अगर नम लॉक दबाओगे तो वो एनेबल हो जाएगा। तो ये दोनों जो होती हैं ये टॉगल कीज होती हैं, एंटर टॉगल की नहीं है, ठीक है? क्योंकि एंटर को एक बार दबाओगे उससे कोई चीज़ ये ऑन ऑफ नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टॉगल की, तो एंटर इज नॉट ए टॉगल की, ठीक है? तो एंटर टॉगल की नहीं है, ये दो टॉगल कीज हैं, एंटर टॉगल की नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, जो एंटर है वो एक कॉम्बिनेशन की है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस, जरा आप ही बताओ मुझे इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। मैंने बताया था कि पॉइंटिंग डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जिनके थ्रू आप कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट लोकेशंस पे पॉइंट कर सकते हो, मतलब जो कर्सर है उसको मूव कर सकते हो। माउस, हाँ माउस से तो हम कर सकते हैं इस कर्सर को मूव। जॉयस्टिक, मैंने बताया था कि गेमिंग में या ज़्यादातर यूज़ होता है या कैड कैम में, इससे भी आप कर्सर को ऊपर नीचे कर सकते हो। लाइट पेन, क्या आप लाइट पेन से कर सकते हो? हाँ लाइट पेन से, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कैसे? मुझे अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी तो लाइट पेन से वहाँ पे इसको टच करूँगा, और यहाँ पे कोई चीज़ मुझे सिलेक्ट करनी होगी तो वहाँ पे मैं टच करूँगा, तो ये भी है। लेकिन डिजिटाइजर इज द इनकरेक्ट वन, डिजिटाइजर एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द डैश की, अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल मैं अभी लिख रहा हूँ, ये लाइन लिखी हुई है, अब मैं चाहता हूँ कि ये कर्सर जो है ये लाइन के बिगिनिंग में आ जाए, आप क्या प्रेस करोगे? पेज अप, पेज अप से तो ऊपर जाते हैं, मतलब इसके ऊपर वाले पेज पे जाएंगे। शिफ्ट, शिफ्ट दबाने से कोई काम होगा नहीं अकेले, मैंने बताया ये कॉम्बिनेशन की है। होम, होम से मैंने बताया था कि होम से लाइन के बिगिनिंग में जाते हैं, ठीक है? एंड से लाइन के एंड में जाते हैं और होम से लाइन के बिगनिंग में जाते हैं, ठीक है? तो होम वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, होम वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। इन ए कीबोर्ड लेफ्ट राइट अप डाउन, जो चार कीज होती हैं, सेट ऑफ फोर कीज, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, जो एरोज होते हैं, चार एरोज यहाँ पे लगे होते हैं, फैसिलिटेट विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शंस, उनसे आप क्या काम करते हो? डिलीटिंग डेटा और मॉडिफिकेशन, क्या उससे आप डिलीट कर सकते हो डेटा या मॉडिफाई कर सकते हो? नहीं, उसके लिए तो बैक स्पेस और डिलीट होती हैं। पेज स्क्रॉलिंग टू व्यू अ डॉक्यूमेंट, क्या उससे आप एक डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे जा सकते हो? यस, हम जा सकते हैं, हम लेफ्ट राइट भी जा सकते हैं, लेफ्ट राइट स्क्रॉल भी कर सकते हैं। अगर कोई पीडीएफ फाइल है, मैं अगर ऊपर वाले उस अप बटन को दबाऊंगा, अप की को दबाऊंगा, तो मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, तो हम स्क्रॉल कर सकते हैं इससे। तो ऑप्शन टू वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। स्टार्ट मेन्यू इससे नहीं लॉन्च होता है, स्टार्ट मेन्यू लॉन्च करने के लिए आप विंडोज की दबाते हो, एंड इनिशिएटिंग सर्च एंड हेल्प ये भी नहीं होगा, इसके लिए विंडोज प्लस एस आपको दबाना पड़ता है। सो ऑप्शन टू वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ये जो चार कीज होती है इससे आप ऊपर नीचे डॉक्यूमेंट में स्क्रॉल कर सकते हो या लेफ्ट राइट भी कर सकते हो, ठीक है? सो ऑप्शन टू वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। कंट्रोल, शिफ्ट एंड ऑल्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये तीन कीज ऐसी की होती हैं जो कि खुद अकेले कोई काम नहीं कर सकती, ठीक है? खुद कोई काम ये अकेले नहीं कर सकती, इनको रादर हम जो है इनको यूज़ करते हैं हम कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन में क्या मतलब? कि ये दूसरी कीज़ के साथ यूज़ करते हैं और दूसरी कीज़ की फंक्शन को ये मॉडिफाई करते हैं। जैसे अगर मैंने कंट्रोल प्लस सी दबाया, तो सी दबाने से अकेले अगर मैं सी दबाता हूँ तो उससे सी प्रिंट होगा, लेकिन ऐसे में कंट्रोल प्लस सी अगर मैं दबाऊंगा तो कॉपी हो जाएगा। तो ये दूसरी कीज़ की फंक्शंस को मॉडिफाई करती हैं, इस वजह से इनको हम मॉडिफायर कीज़ कहते हैं, ठीक है? प्राइमरी की, फंक्शन की, ऑल्टरनेट कैंडिडेट कीज़, ये कीज़ जो है ये डेटाबेस में होती हैं, ऐसी कोई कीज़ कीबोर्ड में नहीं होती है। फंक्शन कीज़ होती हैं लेकिन वो F1 से लेकर F12 तक होती हैं, वो हमने देखी थी, वो प्रोग्रामेबल कीज़ होती थी, ये मैंने बताया था। Which of following modifier keys would you keep pressed to change the case of letters while you type? अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी modifier की आप यूज़ करोगे अगर आप चाहते हो कि आप केस को चेंज करना, मतलब आप अगर अभी स्मॉल में टाइप करते हो, आप चाहते हो कि अब अपर केस में, मतलब अब कैपिटल में टाइप हो जाए, लेकिन आप इसको यहाँ पे लिखा हुआ है वुड यू कीप प्रेस्ड, आप इसको दबा के रखोगे, और यहाँ पे लिखा है कि ये मॉडिफायर की है। ज़रा आप मुझे बताओ कि अगर आप केस चेंज करना चाहोगे, अगर आप चाहते हो कि मैं अपर केस में लिख रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ अब मैं लोअर केस में लिखूंगा, या लोअर केस में लिख रहा हूँ मैं चाहता हूँ अपर केस में लिखूंगा, उसके लिए कौन सी की होती है? उसके लिए कैप्स लॉक होती है, लेकिन कैप्स लॉक एक मॉडिफायर की नहीं है, ठीक है? तो कैप्स लॉक नहीं आ सकता, और मैंने बताया था कि कैप्स लॉक को आपको दबा के नहीं रखना पड़ता है, आपको बस एक बार दबाना पड़ता है वो ऑन हो जाती है, वो एक टॉगल की है, दूसरी बार दबाओगे वो ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन कैप्स लॉक तो नहीं आएगा, शिफ्ट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। शिफ्ट एक मॉडिफायर की है, ये मैंने बताया था, और इन
में से अगर आप देखोगे शिफ्ट ही एक मॉडिफायर की है, ठीक है, तो ये आएगा शिफ्ट। क्यों? क्योंकि अगर मुझे फॉर एग्जांपल केस चेंज करना है अपर केस टू लोअर केस, तो मैं शिफ्ट दबा के रखूंगा और फिर लिखूंगा, तो उससे क्या होगा कि उससे केस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इन दो तरीकों से आप केस चेंज कर सकते हो, मतलब कैपिटल और स्मॉल। सो शिफ्ट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाई, ये आपको याद रखना है, इट वॉज डगलस एंजलबर्ट। सो डगलस एंजलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट पोजिशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस। जरा आप मुझे बताओ कि अगर आप माउस को यूज करना चाहोगे तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ। अब यहाँ पे अगर आप देखो, जब आप कंप्यूटर को यूज करते हो, माउस को यूज करते हो, तो ये आपका माउस है। कंप्यूटर कहाँ पे होता है? यूजली इसके सामने होता है, इसके सामने होता है, ठीक है। और आप कहाँ पे होते हो? आप यहाँ पे होते हो, तो कंप्यूटर यहाँ है, आप यहाँ हो, तो यूजर यहाँ पे है, कंप्यूटर यहाँ पे है। जरा आप मुझे बताओ, क्या टेल अवे फ्रॉम द यूजर होती है? सो ये माउस है, जरा आप ही देखो, ये माउस है, इसका इसकी टेल इस तरफ है और इसका मुंह जो है वो आगे की तरफ है। सो ऑब्वियसली टेल जो है वो यूजर की तरफ होगी, मतलब आपकी तरफ होगी, तो ऑब्वियसली टेल टुवर्ड्स द यूजर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इन लोगों ने पूछा था एक एग्जाम में, मे बी अगर पूछे तो याद रखना है कि टेल ये साइड होती है, ये जिस साइड वायर होगी वो टेल नहीं है, वो हेड है। टेल ये पिछले वाला साइड ये होता है, इसका पीछे वाला साइड ये होता है, तो पीछे वाला साइड मतलब टेल, टेल आपकी तरफ होती है, तो टेल टुवर्ड्स द यूजर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। व्हिच बटन इज कॉल्ड एज मिडल बटन, यूज्ड एज थर्ड माउस बटन बाय प्रेसिंग ऑन इट। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि बीच में जो ये होता है, ये व्हील होता है, इसको हम स्क्रॉल व्हील कहते हैं। इससे आप अप डाउन कर सकते हो, लेकिन इसको आप एक बटन के तौर भी यूज कर सकते हो, इसको आप प्रेस भी कर सकते हो, ये एक बटन की तरह भी काम करता है। इस व्हील को हम, ये जो बीच में होता है, इसको हम स्क्रॉल व्हील कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो ऑप्शन टू वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। याद रखना है कि स्क्रॉल व्हील जो होता है, इसे आप स्क्रॉल कर सकते हो ऊपर नीचे, लेकिन इससे आप और एक चीज भी कर सकते हो, इसको एज बटन भी यूज किया जा सकता है। इसमें वो भी फंक्शन होती है, इस पर क्लिक करके बटन भी, ये आपको बटन की तरह भी यूज कर सकते हैं। ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ट्रैक बॉल मुझे आप बताओ क्या है? अगर आपको याद होगा ट्रैक बॉल मैंने बताया था कि ये माउस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें बॉल मूव करनी पड़ती है। इस बॉल को आप लेफ्ट राइट घुमाते हो, बाकी नीचे जो ये डिवाइस है ये वैसे ही रहती है, इसको मूव नहीं करना पड़ता। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है। और अगर यहाँ पे ऑप्शन देखोगे, यहाँ पे इनपुट नहीं है, तो क्या हो सकता है? ये इनपुट डिवाइस नहीं है, लेकिन माउस हमने देखा था, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है। तो ऑप्शन टू वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ये एक इनपुट है, इनपुट डिवाइस है, और इनपुट डिवाइस में पॉइंटिंग डिवाइस है, मतलब इससे आप कर्सर को मूव कर सकते हो ऑन द स्क्रीन। वी हैव ए जॉयस्टिक इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर, जॉयस्टिक को आप किस काम के लिए यूज करते हो? अगर आपको याद हो, क्या इससे आप साउंड कंट्रोल करते हो, कंप्यूटर गेमिंग में यूज करते हो, टेक्स्ट एंटर करते हो, पिक्चर्स ड्रॉ करते हो, या प्रिंट टेक्स्ट करते हो? अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि जॉयस्टिक जो होती है, ये जो जॉयस्टिक है, ये ज़्यादातर गेमिंग में यूज़ होती है, या फिर फ्लाइट सिमुलेटर्स में यूज़ होती है, या फिर कैड कैम कंप्यूटर डिजाइनिंग में यूज़ होती है। सो इसको ऑप्शन टू आएगा, कंप्यूटर गेमिंग में ये यूज़ होता है। सो ऑप्शन टू वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ये ज़्यादातर कंप्यूटर गेमिंग में यूज़ होता है, गेम खेलने में ये काम आता है। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जॉयस्टिक अलाउज मूवमेंट्स इन विच एंगल। जॉयस्टिक को आप कितना रोटेट कर सकते हो? अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि इसको हम 360 डिग्री, मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ए डिवाइस विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ड्राइंग्स, ग्राफिक्स एंड फॉर मेन्यू सेलेक्शन। जरा आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा डिवाइस आप यूज़ करोगे अगर आपको ड्राइंग्स बनानी होगी, ग्राफिक्स बनानी होंगे, और मेन्यू सेलेक्शन करना होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मेन्यू है ना, ये मेन्यू है, इसमें से अगर मुझे कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा तो उसके लिए क्या आप यूज़ करोगे? कीबोर्ड यूज़ करोगे? सर कीबोर्ड से तो मैं ड्राइंग नहीं कर सकता, माउस, माउस से मैं शायद ड्राइंग करूँगा, मेन्यू सेलेक्शन भी कर सकता हूँ, लेकिन की माउस से मैं ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं कर पाऊँगा, तो शायद ये नहीं आएगा। जॉयस्टिक, ऑब्वियसली जॉयस्टिक भी नहीं आएगा, इससे भी हम ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से ये नहीं हो सकती। देन वी हैव द लाइट पेन, लाइट पेन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने बताया था कि लाइट पेन से आप ड्राइंग्स बना सकते हो, ये इस तरह का पेन होता है, इससे आप, ये उसी काम के लिए होता है, इससे आप ड्राइंग्स बना सकते हो, बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है कि आप मेन्यू सेलेक्शन भी कर सकते हो। अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये जूम इन, ये मेन्यू में ये ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं अपने लाइट पेन को यहाँ पे टच करवाऊंगा, तो ये जूम इन सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। So option 4 would be the correct option. Moving on to the next one, we have the pattern of printed lines on most products are called. ज़्यादातर products के ऊपर इस तरह का एक printed pattern होता है, lines का एक pattern होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इतना आसान question है, obviously आपको पता होगा कि इसको हम कहते हैं barcode, ठीक है। So barcode would be the correct option. Number of pixels displayed on the computer screen is called. एक computer screen के ऊपर कितनी
पिक्सल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितने पिक्सल्स होंगे और वर्टिकल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितने पिक्सल्स होंगे उनको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंप्यूटर रेजोल्यूशन। सो रेजोल्यूशन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि कंप्यूटर की मॉनिटर या स्क्रीन पे कितने पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। व्हाट डज MICR स्टैंड फॉर, MICR की फुल फॉर्म बतानी है। MICR जो चेक्स में यूज होता है, मैंने बताया था इसकी फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सो ये यहाँ पे मैग्नेटिक इंक से कैरेक्टर्स बने होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। विच आर द फॉलोइंग डिवाइस विच रिकॉग्नाइज फिजिकल ट्रेड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, इनमें से कौन सा डिवाइस फिजिकल ट्रेड्स ऑफ एन इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करता है। इसका ये मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान के कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको कौन सी चीज़ इनमें से रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि बायोमेट्रिक्स ऐसे फिजिकल ट्रेड्स होते हैं, ऐसे बिहेवियरल ट्रेड्स होते हैं, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स इंसान के जिसके थ्रू आप उस इंसान को पहचान सकते हो, उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो बायोमेट्रिक उस ट्रेड को कहेंगे, उस कैरेक्टरिस्टिक को कहेंगे, और जिस डिवाइस के थ्रू वो बायोमेट्रिक रिकॉग्नाइज करता है, वो बायोमेट्रिक रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो बायोमेट्रिक मेजर किया जाता है, उसको हम कहते हैं बायोमेट्रिक सेंसर। सो बायोमेट्रिक सेंसर एक फिंगरप्रिंट सेंसर हो सकता है, एक कैमरा हो सकता है। कैमरा कैसे कि वो आपका फेस जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा। तो बायोमेट्रिक सेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके बायोमेट्रिक्स को रिकॉग्नाइज करता है। मूविंग ऑन, ए डाई डैश इज यूज्ड टू रीड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक ए डिजिटल इमेज दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। अब आपको बताना है कि इनमें से अगर आपका हैंड रिटन, हाथ से कोई चीज़ आपने लिखी है, पेन से लिखी हुई है, या कोई प्रिंटेड टेक्स्ट है, ठीक है, या कोई प्रिंटेड टेक्स्ट है, अगर आप चाहते हो कि उसकी एक डिजिटल इमेज स्टोर हो, मतलब कोई पेपर है उसके ऊपर अपने हाथ से लिखा है या फिर उसके ऊपर डिजिटली भी लिखा हुआ है, कंप्यूटर मतलब प्रिंट की हुई चीज़, आप चाहते हो कि उसकी एक सॉफ्ट कॉपी, एक डिजिटल इमेज कंप्यूटर में जाए, ज़रा आप ही बताओ उसके लिए आप कौन सा यूज़ करोगे, प्रिंटर यूज़ करोगे? नहीं, प्रिंटर के लिए तो अगर कंप्यूटर के अंदर कोई डिजिटल इमेज होगी उसको मुझे पेपर के ऊपर लाना होगा। यहाँ तो बाहर हैंड रिटन कोई इमेज है, हैंड रिटन कोई डॉक्यूमेंट है, या कोई बाहर पेपर पे कोई डॉक्यूमेंट, उसको कंप्यूटर में सेव रखना है। तो ऑब्वियसली आपको समझ आ गया कि यहाँ पे बात हो रही है एक स्कैनर की। स्कैनर से हम एक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट या फिर एक प्रिंटेड टेक्स्ट या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट हम कंप्यूटर के अंदर उसको सेव कर सकते हैं। विच आर फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट पोर्ट डेटा ट्रांसफर, जरा आप ही बताओ सबसे फास्ट इनमें से कौन होगा, USB, सीरियल, पैरेलल या फायरवायर। अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि जो USB है ये एक तरह का सीरियल है, सीरियल में 1x1 बिट्स ट्रांसफर होती है, लेकिन पैरेलल जो है उसमें साइमल्टेनियसली 8 बिट्स ट्रांसफर होती है। तो लेकिन फायरवायर मैंने बताया था कि फायरवायर सबसे फास्ट होती है, फायरवायर 400 जिसमें 400 MBPS स्पीड होती है, और फायरवायर 800 जिसमें 800 MBPS स्पीड होती है। इस तरह का पोर्ट होता है ये, फायरवायर इज द फास्टेस्ट पोर्ट फॉर डेटा ट्रांसफर, ठीक है। मूविंग ऑन, ये हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। विच ऑफ फॉलोइंग कुड बी डिजिटल इनपुट डिवाइसेस फॉर कंप्यूटर, जरा आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे डिजिटल कैमकॉर्डर है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, ऑल ऑफ दीज है या फिर नन ऑफ दीज है। आप मुझे बताओ डिजिटल कैमकॉर्डर, डिजिटल कैमकॉर्डर मतलब वीडियो रिकॉर्डर जो होता है, कैमरा एक तरह से जिसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो कैमरा क्या होता है, कैमरा इनपुट है या आउटपुट है? कैमरा अगर आप देखोगे कैमरा क्या है कि बाहर कोई सीन है उसको आप कैप्चर करते हो और कंप्यूटर में ले जाते हो। तो बाहर से कोई चीज़ इसके थ्रू कैप्चर की जाती है, तो ऑब्वियसली ये इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन ये भी एक इनपुट डिवाइस है, कैसे आपकी आवाज़ इसके थ्रू कंप्यूटर में जाती है, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर ये भी इनपुट डिवाइस है, कैसे एक डॉक्यूमेंट है आपके पास उसको इसी के थ्रू आप कंप्यूटर में सेव करते हो, ठीक है, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। सो ऑल ऑफ दीज वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ये सारे के सारे जो है इनपुट डिवाइसेस हैं। यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस वन कैन, आउटपुट डिवाइसेस से आप क्या कर सकते हो, व्यू और प्रिंट डेटा, क्या आप व्यू या प्रिंट डेटा कर सकते हो? यस, आउटपुट डिवाइस तो शायद कर सकते हैं, क्योंकि अगर मॉनिटर होगा तो आप व्यू कर सकते हो चीज़ें, अगर प्रिंटर होगा तो उससे प्रिंट कर सकते हो डेटा, तो हाँ व्यू और प्रिंट तो आउटपुट डिवाइसेस से हो सकता है। मॉडिफाई डेटा नहीं, ये नहीं हो सकता, मॉडिफाई डेटा को मॉडिफाई करना है उसके लिए आपको CPU लगेगा, ठीक है, तो वो CPU करेगा। स्टोर डेटा उसके लिए ऑब्वियसली मेमरी लगेगी, उसके लिए हार्ड डिस्क लगेगी। रेप्लिकेट डेटा, डेटा को कॉपी करना होगा, ऑब्वियसली इसके लिए भी CPU लगेगा,
सो ऑप्शन वन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. व्यू और प्रिंटिंग डेटा के लिए आउटपुट डिवाइसेज यूज होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन ए कंप्यूटर स्क्रीन. कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो इमेज होती है उसका सबसे छोटा यूनिट क्या होता है. मैंने बताया था कि कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कोई भी विजुअल होता है, चाहे वो इमेज हो क्या हो, वो बनी होती है छोटे छोटे पिक्सल्स की. तो जैसे ये जो आपके सामने स्क्रीन है ये भी पिक्सल की बनी हुई है. अगर आप जूम करोगे यहाँ पे तो छोटी छोटी यहाँ पे आपको पिक्सल दिखेंगे. तो पिक्सल इज द करेक्ट ऑप्शन. पिक्सल यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्क्रीन है, इसमें यहाँ पे छोटे छोटे ये डॉट्स आपको दिख रहे होंगे. हर एक स्क्रीन इसी तरह की होती है, लेकिन आजकल जो स्क्रीन्स होती हैं उनमें आपको ये पिक्सल्स नहीं दिखेंगे. ये पिक्सल आपको नहीं दिखेंगे, क्यों? क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि आपको वो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं. अगर आप किसी डिवाइस से जूम करोगे उसके ऊपर तो आपको वो चीज़ दिख जाएगी. सो पिक्सल वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू. सॉफ्ट कॉपी का क्या मतलब है? आपने बहुत बार सुना होगा हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी. हार्ड कॉपी का मतलब होता है जो चीज़ पेपर के ऊपर प्रिंटेड होगी, लेकिन सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है जो डिजिटल फॉर्म में कहाँ पे होगी, कंप्यूटर में. सो जो स्क्रीन आउटपुट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. जो स्क्रीन के ऊपर होगी चीज़, फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे कोई इमेज है तो वो एक सॉफ्ट कॉपी है. तो जो चीज़ स्क्रीन के ऊपर होती है, जो चीज़ स्क्रीन पे दिखती है, वो सॉफ्ट कॉपी होती है. जब आप उसको प्रिंट करोगे तो वो हार्ड कॉपी बन जाएगी. ठीक है, मूविंग ऑन. Which of following does not perform both input and output functions? इनमें से कौन सा दोनों input function और output function दोनों perform नहीं करता है? Not यहाँ पे लिखा हुआ है. Modem, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था modulator, demodulator, ये दोनों काम करते हैं, modulation and demodulation. तो ये input भी है output भी है. ठीक है, कैसे है input? बाहर से analog signal आता है उसको input में convert करता है, उसको digital में convert करता है. तो ये एक input हो गया. ठीक है, अब यहाँ से output जा रहा है उसको ये convert करता है फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग. तो ये इनपुट आउटपुट दोनों काम करता है. हेडसेट, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था हेडसेट मतलब वो हेडफोन होता है जिसमें माइक भी लगा होता है. तो माइक्रोफोन है उसमें, मतलब माइक है तो इनपुट है, जो हेडफोन है जो छोटे स्पीकर्स हैं आपके कानों के ऊपर वो आउटपुट है. तो ये दोनों हैं. ठीक है, इनपुट भी आउटपुट. नेटवर्क कार्ड, मैंने बताया था कि जो भी डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती है उसके अंदर एक नेटवर्क कार्ड होता है. ये इनपुट आउटपुट दोनों है क्योंकि इंटरनेट से डेटा आता भी है इसके थ्रू और जाता भी है इसके थ्रू. सो दोनों काम नेटवर्क कार्ड करता है, इनपुट और आउटपुट भी. सो माइक्रोफोन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि माइक्रोफोन जो होता है ये सिर्फ इनपुट डिवाइस है, आपकी आवाज़ इसके थ्रू कंप्यूटर में जाती है. तो ये बस एक इनपुट डिवाइस है. द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ ए मॉनिटर द डैश, जितना रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा उतना क्या होगा. लार्जर द पिक्सल, क्या उतने पिक्सल बड़े होंगे. लेस क्लियर द स्क्रीन इज, क्या जितना रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा. मैंने बताया था रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन मतलब कितने पिक्सल्स हैं, नंबर ऑफ पिक्सल्स. तो अगर नंबर ऑफ पिक्सल्स ज़्यादा होंगे तो क्या स्क्रीन साफ नहीं आएगी. फर्दर अपार्ट द पिक्सल्स, तो क्या उसका मतलब होगा कि जो पिक्सल्स हैं वो एक दूसरे से दूर होंगे, या फिर क्लोजर टुगेदर द पिक्सल्स, क्या, या फिर इसका ये मतलब है कि जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, जितने ज़्यादा मॉनिटर पे पिक्सल्स होंगे उतने वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के नज़दीक होंगे. सो ऑब्वियसली ऑप्शन फोर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे पिक्सल्स आपको दिख रहे हैं तो इसका रेजोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल है कि यहाँ से यहाँ लेकर 10 पिक्सल्स हैं. तो यहाँ से यहाँ तक 10 पिक्सल्स हैं. अब ये जो है इसका रेजोल्यूशन ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल 20 पिक्सल्स हैं. ठीक है, तो इसका 10 है, 10 हॉरिजॉन्टल है, इसका 20 है. ठीक, तो इसका अगर रेजोल्यूशन ज़्यादा है, इसका रेजोल्यूशन ज़्यादा है, ज़रा आप ही मुझे बताओ क्या इसमें ज़्यादा क्लोज हैं पिक्सल्स या फिर इसमें पिक्सल हैं. तो इसमें पिक्सल्स ज़्यादा क्लोजर हैं क्योंकि इसका रेजोल्यूशन ज़्यादा है. सो ऑप्शन फोर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, जितना रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा उतने पिक्सल्स क्लोजर होंगे. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आईओ डिवाइसेस वुड यू यूज इन कॉन्फ्रेंस हॉल्स एंड क्लासरूम्स. जरा आप ही बताओ, अगर क्लासरूम में आप होंगे या फिर कॉन्फ्रेंस हॉल्स में, कौन सा इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, आईओ लिखा हुआ है तो इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा यूज होता है क्लासरूम्स में या कॉन्फ्रेंस हॉल्स में. क्या आप जॉयस्टिक यूज करोगे? नहीं, जॉयस्टिक तो हम गेम वेम खेलने के लिए यूज करते हैं. प्लॉटर, प्लॉटर तो हमने देखा था कि जो ड्राइंग्स वॉइंग्स प्रिंट करनी होती है वहाँ पे यूज़ होता है. ऑब्वियसली क्लासरूम में ड्राइंग को प्रिंट करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये तो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है. इसके बाद प्रोजेक्टर, हाँ प्रोजेक्टर आ सकता है क्योंकि हम प्रोजेक्टर क्लासरूम्स में यूज़ करते हैं और कॉन्फ्रेंस में हॉल्स में यूज़ करते हैं. सो ऑप्शन थ्री वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट आर द यूनिट्स यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ प्रिंटर. ज़रा आप फिर से क्वेश्चन आया कि स्पीड ऑफ प्रिंटर को आप कैसे मेजर करोगे. CPM, CPM मतलब कैरेक्टर पर मिनट, लेकिन हमने पढ़ा था CPM नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था CPS, कैरेक्टर्स पर सेकंड. हम देखते हैं आगे कि क्या ये ऑप्शन है
और क्या ऑप्शंस हैं, डीपीआई डीपीएस स्टैंड्स फॉर डॉट्स पर इंच। हमने देखा था डॉट्स पर इंच जो है ये स्पीड का यूनिट नहीं है, डॉट्स पर इंच इज नॉट ए यूनिट ऑफ स्पीड, ये क्लैरिटी को मेजर करता है। देन यहाँ पीपीएम हमने देखा था पेजेस पर मिनट, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि तीन यूनिट्स होते हैं सीपीएस पीपीएम पेजेस पर मिनट एंड लाइंस पर मिनट एलपीएम। सो ऑप्शन थ्री वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, पेजेस पर मिनट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तीन यूनिट्स होते हैं प्रिंटर लेजर प्रिंटर की स्पीड को मेजर करने के लिए, कैरेक्टर पर सेकेंड लाइन्स पर मिनट एंड पेजेस पर मिनट। प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन वन कैरेक्टर एट अ टाइम, इनमें से कौन सा प्रिंटर एक से ज्यादा लाइन एक साथ प्रिंट नहीं कर सकता। लाइन प्रिंटर, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था लाइन प्रिंटर ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो एट अ टाइम एक लाइन को प्रिंट करते हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रिंटर मोर देन वन कैरेक्टर, मतलब एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर वो प्रिंट करता है, वन बाय वन वो कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर ऑब्वियसली ये मैंने बताया कि ये तो एक साथ पूरी लाइन को प्रिंट कर देते हैं। लेजर प्रिंटर, अगर आपको याद होगा लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है एंड ये भी एक लाइन प्रिंटर ही है, मतलब ये एक साथ एक लाइन को प्रिंट कर देता है। टू बी प्रिसाइज लेजर प्रिंटर जो है ये एक आई थिंक ये पेज प्रिंटर है, ये एक साथ पूरे पेज को प्रिंट कर देता है, ठीक है। लेकिन डेजी व्हील जो है, डेजी व्हील इट इज़ अ कैरेक्टर प्रिंटर, याद रखना है कि डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स ये दो ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो वन कैरेक्टर एट अ टाइम प्रिंट करते हैं। कैसे, डेजी व्हील अगर आपको तो मैंने बताया था उसमें वो टाइपराइटर की तरह होते हैं, एक व्हील होता है वहां से जो कीज जो है वो उठ के स्ट्राइक करती है पेपर को, तो एट अ टाइम एक ही वो की जो है वो उठ के पेपर को स्ट्राइक करती है जैसे टाइपराइटर में होता है। तो डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स इन दोनों में ही ये कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं, मतलब एट अ टाइम ये एक ही प्रिंट करते हैं, एक ही कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर ये भी दोनों जो है ये इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं, ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर, लेकिन ये लाइन प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर एक लाइन को एक साथ प्रिंट करता है, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था उस टाइम पे वो ड्रम की मैंने आपको इमेज दिखाई थी, तो वो एट अ टाइम एक लाइन को प्रिंट करता है। याद रखना है कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स में जो लेजर प्रिंटर है ये एक साथ पूरे पेज को प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो डेजी व्हील जो है ये एक लाइन प्रिंटर नहीं है, ये एक कैरेक्टर प्रिंटर है। स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ, जो लाइन प्रिंटर है मतलब एट अ टाइम जो एक लाइन को प्रिंट करता है उसकी स्पीड किस से लिमिट होती है, मतलब कौन सी चीज उसकी स्पीड को कम करती है। पेपर मूवमेंट कार्ट्रिज यूज्ड लेंथ ऑफ पेपर अलग चीज, जरा आप मुझे बताओ कार्ट्रिज यूज्ड मतलब मैं किस तरह की इंक इसमें यूज कर रहा हूँ, क्या उससे उसकी स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा। कार्ट्रिज मतलब जो इंक को स्टोर करता है, क्या कार्ट्रिज इंपैक्ट करेगा प्रिंटिंग स्पीड को, ऑब्वियसली नो, इसका तो कोई उसके साथ कनेक्शन ही नहीं है। मैं कोई भी कार्ट्रिज यूज करूं मेरी पेपर की जो स्पीड है मेरी प्रिंटिंग की स्पीड है वो ऑब्वियसली उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेंथ ऑफ द पेपर ये भी नहीं है, क्योंकि आप इस तरह से देखो कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास लंबा पेपर है उसकी लेंथ लंबी है, अब दूसरा पेपर है उसकी लेंथ शॉर्ट है, अब इन दो को मुझे प्रिंट करना है, तो आप ही बताओ क्या इन दो से कोई असर पड़ेगा, क्या डिफरेंस इन दोनों के बीच कोई फर्क होगा प्रिंटिंग स्पीड में, ऑब्वियसली नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखो पेपर मूवमेंट पे ऑब्वियसली पड़ेगा, क्योंकि जितना पेपर अंदर जल्दी मूव करेगा उतनी स्पीड ज्यादा होगी, तो जिस प्रिंटर में पेपर मूव जल्दी जल्दी करेगा उसकी स्पीड जल्दी होगी, ठीक है, उसकी प्रिंटिंग स्पीड फास्ट होगी। सो पेपर मूवमेंट इज ए लिमिटेशन, ये लिमिट करता है पेपर की स्पीड को, पेपर मूवमेंट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन एन एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट, इनमें से कौन सा पेरिफेरल इक्विपमेंट है, मैंने बताया था कि पेरिफेरल इक्विपमेंट्स ऐसे इनपुट आउट ऐसे हार्डवेयर डिवाइसेज या हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो उस सिस्टम यूनिट के बाहर होते हैं, जो उस जो कैबिनेट होता है साइड में मॉनिटर के साइड में उसके बाहर होते हैं। सो प्रिंटर एक है, ठीक है, ये है। अब CPU मुझे आप बताओ, सो ऑप्शन वन वुड बी द करेक्ट। अब CPU मैंने बताया था कि ये सिस्टम यूनिट के अंदर होता है, तो CPU पेरिफेरल इक्विपमेंट नहीं है। स्प्रेडशीट ये तो एक सॉफ्टवेयर है। माइक्रो कंप्यूटर ये तो ऑब्वियसली ये अलग ही एक कंप्यूटर है, ये कोई इनपुट आउटपुट या कोई ये कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं है। सो वन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, प्रिंटर इज ए पेरिफेरल इक्विपमेंट। पेरिफेरल इक्विपमेंट मैं रिपीट करता हूँ, ऐसे डिवाइसेस जो इस सिस्टम यूनिट के बाहर होते हैं। और सिस्टम यूनिट क्या होता है, जो साइड में जिसको आप CPU कहते हैं, जो कैबिनेट होता है मॉनिटर के साइड में, उसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो पेरिफेरल नहीं है, उसके बाहर जो सारी चीज़ें होंगी चाहे मॉनिटर कीबोर्ड व्हाटएवर हो वो पेरिफेरल है। इंपैक्ट प्रिंटर्स आर, जरा इनमें से बताओ इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है। डॉट मैट्रिक्स ये इंपैक्ट प्रिंटर है, क्योंकि हमने पढ़ा था इसमें पिन्स होती हैं, वो पिन्स जो है वो पेपर को स्ट्राइक करती हैं। देन वी हैव ड्रम प्रिंटर, ये भी मैंने बताया कि ये भी एक
इम्पैक्ट प्रिंटर है, कैसे, क्योंकि इसमें एक ड्रम रोल करता है, फिर वहाँ पे एक रिबन होता है अगर आपको याद होगा, फिर पेपर जो है पीछे एक हैमर होता है, हैमर पेपर को स्ट्राइक करता है, वो रिबन के साथ टकराता है, तो ऑब्वियसली ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेकिन इंकजेट जो है, इंकजेट ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसे, मैंने बताया था कि इसके अंदर एक जेट होता है, वो स्प्रे करता है पेपर के ऊपर, तो पेपर के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। सो वन एंड टू वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन इनमें से इम्पैक्ट है, नॉन इम्पैक्ट है। 43rd इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट्स कंप्यूटर आउटपुट इंटर फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए टेलीफोन लाइन। इनमें से आपको बताना है कि अगर कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है वो आपको टेलीफोन लाइन के ऊपर ट्रांसमिट कराना है, तो वो कन्वर्जन कौन करेगा। तो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होगा वो डिजिटल फॉर्म में होगा, और कौन सा डिवाइस उस डिजिटल फॉर्म को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। एनालॉग क्यों, क्योंकि टेलीफोन लाइन में जो डेटा होता है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है और वो एनालॉग फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कौन सा डिवाइस डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, तो डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम मॉडेम करता है। मॉडेम ये दोनों कन्वर्जन करता है, मॉड्यूलेशन भी और डीमॉड्यूलेशन भी, मतलब ये एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। लेजर प्रिंटर्स बिलोंग टू, लेजर प्रिंटर किस में आएंगे, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, बैंड प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स। अगर आपको याद होगा मैंने अभी बताया था कि लेजर प्रिंटर जो है ये एक पेज प्रिंटर है, पूरे के पूरे पेज को एक साथ प्रिंट कर देता है। ठीक है, याद रखना है पेज, ये लेजर प्रिंटर जो है ये पेज प्रिंटर है। ठीक है, इसके बाद ये जो है ये थर्मल प्रिंटर, ये भी एक पेज प्रिंटर ही है। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर, इनमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, लेजर डॉट, दरअसल ये दो प्रिंटर्स है, लेजर प्रिंटर एंड डॉट प्रिंटर। जरा मुझे बताओ, लेजर प्रिंटर ये है नॉन इम्पैक्ट, लेकिन डॉट जो है, डॉट मैट्रिक्स, ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो ये दोनों नॉन इम्पैक्ट नहीं है। इंकजेट एंड लेजर, इंकजेट भी है लेजर भी है, सो दोनों के दोनों नॉन इम्पैक्ट है, तो ये आएगा ऑप्शन टू वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अब बाकी ऑप्शंस को देखते हैं, इंकजेट एंड डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट ये नॉन इम्पैक्ट है लेकिन डॉट मैट्रिक्स ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, सो ऑब्वियसली ऑप्शन टू वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। इंकजेट और लेजर ये दोनों जो हैं ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। इन लेजर प्रिंटर्स प्रिंटिंग इज अचीव्ड बाय डिफ्लेक्टिंग लेजर बीम ऑन टू डैश सरफेस ऑफ ए ड्रम। तो आप मुझे बताओ कि लेजर प्रिंटिंग्स जो होती हैं, लेजर प्रिंटिंग में जो प्रिंटिंग कैसे होती है कि एक लेजर बीम होती है वो डिफ्लेक्ट होती है एक ड्रम की सरफेस पे। वो ड्रम की सरफेस क्या होती है, क्या वो मैग्नेटाइज्ड होती है, फोटोसेंसिटिव होती है, मैग्नेटिक होती है, या इधर वन ऑफ टू होती है। अगर आपको याद होगा कि लेजर प्रिंटर्स जो होते हैं, लेजर प्रिंटर्स में प्रिंटिंग लेजर से होती है, और ये लेजर लाइट होती है, बेसिकली लाइट होती है ना, तो ये लाइट उस सरफेस के ऊपर पड़ती है, वो सरफेस जो है वो होती है फोटोसेंसिटिव, मतलब उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स लाइट, तो वो सरफेस होती है, उसके अंदर एक ड्रम होता है, उस ड्रम की जो सरफेस होती है वो फोटो सेंसिटिव होती है, मतलब जैसे ही उसके ऊपर ये लेजर लाइट पड़ती है तो वो प्रिंटिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सो ऑप्शन टू वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, फोटो सेंसिटिव इज द करेक्ट ऑप्शन। फोटो मीन्स लाइट एंड सेंसिटिव मीन्स जो सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइट होगा, तो फोटो सेंसिटिव मीन्स विच इज सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइट। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस लार्ज ड्राइंग्स और इमेज सच एज कंस्ट्रक्शन प्लान्स, ब्लू प्रिंट्स फॉर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट एट्सेट्रा। इनमें से कौन सा डिवाइस बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन प्लान्स को या ब्लू प्रिंट्स को प्रिंट करने के लिए यूज होता है, क्या प्रिंटर है, प्लॉटर है, MICR या OCR। इनमें से अगर आप देखोगे बस दो डिवाइस हैं प्रिंटिंग के लिए जो यूज होते हैं, प्रिंटर एंड प्लॉटर। लेकिन अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि प्लॉटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हम प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये हम ड्राइंग्स के लिए या डिजाइंस के लिए या ब्लूप्रिंट्स या कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए जो प्लान्स होते हैं, जो ड्राइंग्स होती हैं, उनको प्रिंट करने के लिए यूज होता है, सो प्लॉटर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। 48th इज द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम ए CPU टू पेरिफेरल डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर इज अचीव्ड थ्रू। ये बताता है कि आपको बताना है कि CPU से पेरिफेरल डिवाइसेस तक, मतलब CPU से बाकी जो आउटपुट इनपुट डिवाइसेस हैं उन तक डेटा पहुंचाने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, क्या आप इंटरफेस का यूज़ करोगे, बफर मेमोरी का यूज़ करोगे, मॉडेम या IO पोर्ट्स। लेकिन अगर आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच डेटा जो है वो IO पोर्ट्स के थ्रू ही जाता है, सो IO पोर्ट्स शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। IO मीन्स इनपुट आउटपुट। A parallel port is most often used by air. अगर यहाँ पे तो ऑप्शन आ गया, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि parallel port जो है वो ज़्यादातर प्रिंटर और स्कैनर, ठीक है, याद रखना है कि प्रिंटर और स्कैनर को कनेक्ट किया जाता है via a parallel port, प्रिंटर और स्कैनर को, ठीक है, मॉनिटर, माउस, एक्सटर्नल स्टोरेज, इनको सीरियल पोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। USB in data cable stand for, USB का क्या फुल फॉर्म है, USB stand for universal serial bus। यूनिवर्सल क्यों,
क्योंकि इसको आप किसी भी आर्किटेक्चर, किसी भी कंप्यूटर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले के साथ कनेक्ट कर सकते हो उस यूएसबी पोर्ट, उस यूएसबी केबल के थ्रू, ठीक है। सीरियल क्यों? क्योंकि इसमें सीरियल डेटा ट्रांसफर होता है। बस क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि बस का मतलब है जो डेटा ट्रांसफर के लिए कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो यूएसबी इज यूनिवर्सल सीरियल बस। 51st क्वेश्चन इज यूएसबी रेफर्स टू, यूएसबी क्या है? क्या एक स्टोरेज टाइप है, पोर्ट टाइप है, प्रोसेसर है, या फिर ये सीरियल बस स्टैंडर्ड है? यहाँ पे आपको याद रखना है कि यूएसबी एक पोर्ट टाइप है, ठीक है, यूएसबी एक पोर्ट टाइप है। हमने तीन चार टाइप पढ़े थे, हमने पढ़ा था सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट और फायरवायर पोर्ट, ठीक है, चार टाइप के पोर्ट। तो यूएसबी एक पोर्ट टाइप है, ठीक है, यूएसबी इज अ पोर्ट टाइप। मूविंग ऑन टू द 52nd, डाइडैश कैन इंटरप्रिट वॉइस डेटा इनटू वर्ड्स दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। इनमें से कौन सा डिवाइस या कौन सी चीज इनमें से वॉइस को इंटरप्रिट करता है, आपकी आवाज को एक तरह से प्रोसेस करता है और उसको वो कन्वर्ट करता है इनटू वर्ड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी बात करूं, इफ आई से फॉर एग्जांपल इफ आई रीड दिस सेंटेंस दैट कैन इंटरप्रिट वॉइस डेटा इनटू वर्ड्स, तो मैंने एक सेंटेंस पढ़ा, तो मेरी आवाज मैंने इसमें मैंने एक सेंटेंस पढ़ा, तो एक ऐसी चीज, एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा सिस्टम जो मेरी इस आवाज में जो भी वर्ड्स मैंने बताए उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे, कंप्यूटर के ऊपर ये सारी चीजें फॉर एग्जांपल टाइप हो जाए, उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे या कौन सी चीज हम इसके लिए यूज करते हैं? तो इसके लिए अगर आपको बताऊंगा, इसको हम कहते हैं स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन मतलब आवाज को रिकॉग्नाइज करना, जो भी मैं वर्ड्स बताऊंगा उनको पहचानना। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि स्पीच रिकॉग्नाइज कर पाए उसको हम कहते हैं स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल आपने सबने तो सीरी एप्पल का देखा होगा या गूगल असिस्टेंट देखा होगा, तो वो क्या होता है, उनमें भी स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि जो भी हम आवाज़ यहाँ से जो भी हमारी वॉइस में हम कहते हैं उन वर्ड्स को वो पहचानते हैं, वो उनको अलग अलग उनको वो समझ आ जाता है कि इसने क्या पूछा है, तभी जाके वो आपको जवाब दे पाते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर में भी स्पीच रिकॉग्निशन की फैसिलिटी होती है। सो स्पीच रिकॉग्निशन का मतलब है कि आवाज को पहचानना, पहचानने का मतलब ये नहीं है कि ये किसकी आवाज है, पहचानने का मतलब ये है कि आवाज में जो भी वर्ड्स मैं बता रहा हूँ उन वर्ड्स को पहचानना, ठीक है, तो उनको वो डिजिटल फॉर्म में फिर अंदर कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकता है। सो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। 53rd इज विच आर फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ यूएसबी, यूएसबी की क्या प्रॉपर्टी है, क्या ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, सोर्स डिपेंडेंट होते हैं या सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट होते हैं? सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट करेक्ट ऑप्शन, मैंने बताया था कि इनको यूनिवर्सल यूएसबी को यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, मतलब आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म का मतलब है कि किस टाइप का आर्किटेक्चर है, किस टाइप का सीपीयू है, किस टाइप का प्रोसेसर है, सॉरी किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसको फर्क नहीं पड़ता है। यूएसबी आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ, किसी भी सिस्टम के साथ यूज कर सकते हो। विच ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ए प्रिंटर हेल्प्स टू ट्रांसफर इंक टू द पेपर, इनमें से कौन सा कॉम्पोनेंट प्रिंटर का मदद करता है या ट्रांसफर करता है इंक को टू द पेपर? तो अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि प्रिंटर जो है, प्रिंटर में दो चीज़ें होती है, एक कार्ट्रिज होती है, कार्ट्रिज क्या होती है, वो स्टोर करती है इंक को, कार्ट्रिज के पीछे होता है प्रिंट हेड और वो प्रिंट हेड क्या करता है, वो उस इंक को ट्रांसफर करता है टू द पेपर। सो प्रिंट हेड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। पेपर फीडर ये है जहाँ से आप पेपर फीड करते हो, ये स्लॉट जो यहाँ पे है, और पेपर सपोर्ट ये है जो कि पेपर को पीछे से सपोर्ट करता है। सो प्रिंट हेड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। That's it for this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू haven't done yet. See you in the next video. Till then, bye bye.